हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस आप सभी का वेलकम करता हूं अपने रैंकस मेहता चैनल पर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए जो भी मतलब नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन एक सीरीज चला चुके हैं, जहाँ पर अपन जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हैं, स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स के जो भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हैं, उनको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अपन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले अपन डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल वहीं से हमने फॉर्मूले बनाए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि भाई इसके बाद आपको बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करना है। अगर आपको कहीं से फॉर्मूले रिवाइज करना है, आप बस इसको देख लो आप लोग, इसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, तो इसी फॉर्मूला सीरीज के अंदर अपन ने अब तक कुछ चैप्टर अपन डिस्कस कर लिए, और जो लास्ट जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो फ्लूड मैकेनिक्स का चल रहा था। और उस फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर अपन ने अब तक तीन पार्ट लिए हैं, जहाँ पर पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने जो बच्चों कवर किया था वो अपन ने, बता देता हूँ एक बार हल्का सा, कि फ्लूड स्टैटिक्स कवर किया, और सेकंड जो पार्ट था, एक मिनट, मतलब जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर अपन ने फ्लूड स्टैटिक्स को कवर किया। अगर नहीं देखा तो जरूर देखना। फ्लूड डायनेमिक्स लिया अपन ने सेकंड पार्ट, फ्लूड डायनेमिक्स को कवर किया। थर्ड पार्ट के अंदर अपन ने विस्कोसिटी को कवर किया, और अभी जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर पार्ट 4 है इसी फ्लूड मैकेनिक्स का, जो कि लास्ट पार्ट है, और इसमें अपन कवर करेंगे आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, चैप्टर है सरफेस टेंशन। ओके, चल तो देखो, सरफेस टेंशन से देखो, जस्ट इसका मीनिंग समझना, तो बस आप इतना सा ध्यान रखो कि भाई कोई भी जो लिक्विड होता है, लिक्विड के जो सबसे आउटर मोस्ट जो सरफेस होती है, यानी कि जिसको आप फ्री सरफेस कह सकते हो, क्या कह सकते हो? फ्री सरफेस। तो देखो, फ्री सरफेस जो होती है, और वो भी फ्री सरफेस जो होती है ना बच्चों, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। किस तरह बिहेव करती है? स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह। स्ट्रेस मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि उनके बीच में उनके जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज होते हैं, स्पेशली अपन बात करते हैं कोहेसिव फोर्स, तो उस कोहेसिव फोर्सेज के कारण उसकी जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, वो लेयर एक स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उसमें खिंचाव है, उसके अंदर एक टेंशन है, और वो जो सरफेस में जो टेंशन है उसी को अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, सरफेस टेंशन। ओके, चलिए, अब इस सरफेस टेंशन को अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसको फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। एल यहाँ पे क्या है, मतलब इसको अपन डिफाइन अगर करना चाहो ना, तो ऐसा कर सकते हो कि अगर अपन को एक हमारे पास में कोई लिक्विड है, इस लिक्विड की जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस पे आप क्या करो, एक लाइन इमेजिन करो, एक कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, और इस इमेजिनरी लाइन के जो परपेंडिकुलर जो फोर्सेज होंगे, किसी भी वन ऑफ द साइड, कोई भी एक वन ऑफ द साइड ले लो, तो इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो फोर्स ही किसका काम करेगा, मतलब वो जो यूनिट लेंथ पे। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि इसकी जो लेंथ, अपन ने जो इमेजिनरी लाइन जो अपन ड्रॉ करी, कि अगर इसकी लेंथ अगर यूनिट लेंथ है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर या 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, तो अगर इस यूनिट लेंथ के परपेंडिकुलर जो फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं किसी वन साइड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेंशन कहते हैं अपन। यहाँ पर याद रखने की जरूरत है बच्चों, जब आप इसको डिफाइन लिखते हो, तो वो जो फोर्स होते हैं ना, याद रखिएगा, चाहे फोर्स की बात की जाए, चाहे लाइन की बात की जाए, या फिर इस सरफेस की बात की जाए, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं ना, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, तो टेंशन का फॉर्मूला बन के आता है बच्चों कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल हमारे पास में फॉर्मूला बनता है। इसके आपको यूनिट भी याद रखनी है बच्चों, यहाँ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, गलत लिखे आ जाते हैं, लिख देते हैं न्यूटन मीटर लिख देते हैं, पर याद रखना कि न्यूटन मीटर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, इट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। आप या तो आप टॉर्क कह सकते हो, या वर्क कह सकते हो, या एनर्जी कह सकते हो, उसकी यूनिट होती है। यहाँ पर सरफेस टेंशन की जो यूनिट आती है ना, वो न्यूटन पर मीटर आती है, या फिर आप ये कह सकते हो जूल पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, जूल पर मीटर कहाँ से है ये? सेकेंड एक और रिलेशन देखो, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा है, डब्ल्यू यहाँ पर वर्क है, डेल्टा है यहाँ पर चेंज इन एरिया है, तो वर्क की यूनिट बनी है जूल, और एरिया की बनी है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आप यूनिट बना सकते हो। सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो डाइन पर सेंटीमीटर कहोगे, या अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहोगे, क्योंकि जूल की सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, मीटर की स्क्वायर की सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन की डाइन होती है, मीटर की सेंटीमीटर होती है, तो यहाँ से एक और आप सीजीएस में भी इसकी यूनिट बना सकते हो। अब देखो बच्चों, याद रखेगा कि ये टेंशन वर्क वाला भी मैं वापस बताऊंगा, आगे वापस यूज होगा। अब अपन बात कर रहे हैं कि रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स टू टेकन आउट द सरफेस फ्रॉम द लिक्विड। देखो, एक चीज का ध्यान रखो, अगर हमारे पास ना कहीं पर लिक्विड है ना, जैसे मैं मान लिया कि लिक्विड है, अब इस लिक्विड पे मैं क्या करता हूँ, कोई एक सरफेस रखता हूँ, ये मान लिया कि कोई एक सरफेस रखें, ओके, इस सरफेस को मैं क्या करना चाहता हूँ, अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, इसको सरफेस से उठाना चाहता हूँ। तो तुम खुद सोचो कि भाई यहाँ पर अगर दो केस बनते हैं, कि भाई एक बार एक तरफ तो जो सरफेस है वो बिल्कुल, मतलब कोई लिक्विड में नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे
किसी टेबल पर रखी हुई है। अगर आप एक टेबल से इसको उठाओ और एक आप लिक्विड की सरफेस से उठाओ, तो तुम ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि जो लिक्विड से जब अपन उठाते हैं ना, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होता है ना, वो कंपेरेटिवली जो सॉलिड पर जो फोर्स लग रहा होता है सॉलिड सरफेस से उठाने पर, वो ज़्यादा लग रहा होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इस वाले केस में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, बट इस वाले केस में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ यहाँ पर एक और फोर्स यहाँ पर एक्ट करता है, जिसको अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स बोल सकते हो। सरफेस टेंशन फोर्स या टेंशन फोर्स एक करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्या करना चाहते हो, इस डिस्क को अगर आप उठाना चाहते हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो जो ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, उसी फोर्स को अपन बोल रहे हैं एक्सेस फोर्स कह रहे हैं, एक्सेस फोर्स। तो ये एक्सेस फोर्स अपन कैसे निकाल सकते हैं? तो एक्सेस फोर्स निकालने का बच्चों सिंपल सा तरीका है कि अपन जानते हैं कि भी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो टेंशन होती है, तो टी होता है, वो टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल होता है। अगर मुझे एफ निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा बच्चा? टी इंटू में एल बन के आएगा। टी यहाँ पर टेंशन है, एल यहाँ पर याद रखना वो बाउंड्री है, वो बाउंड्री जो किसके साथ, लिक्विड सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है। याद रखना एल हमको यहाँ पर बाउंड्री कंसिडर करनी है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो कि भाई हमारे पास में क्या होती है कि एक कोई डिस्क होती है, जैसे मैं पहले इसकी बात करूँ, एक सर्कुलर प्लेट से स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर प्लेट को अगर मैं लिक्विड में रखता हूँ, अगर मैं इसको ऊपर उठाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? एक्सेस फोर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स तो ही है, उससे ज्यादा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सेस फोर्स की बात करें तो कितना होगा, तो टेंशन टी, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे बाउंड्री से। अब देखो इसकी बाउंड्री कौन सी होगी, इसकी बाउंड्री यही तो होगी ना भाई, सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। अब सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई आर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 पाई आर। अब देखो तुम बात करो अगर रिंग की बात करो, तो देखो रिंग के केस में क्या होगा, रिंग के केस में क्या होगा कि यहाँ पर 2 बाउंड्री बनेगी, एक तो आउटर बाउंड्री बनेगी, एक इनर बाउंड्री बनेगी। आउटर बाउंड्री भी 2 पाई आर होगी, इनर बाउंड्री भी 2 पाई आर होगी। तो 2 पाई आर + 2 पाई आर क्या बन जाएगा, 4 पाई आर बन जाएगा, और टी से मल्टीप्लाई करना ही है। अगर इसी तरीके से अगर मेरे पास में कोई सर्कुलर फ्रेम होती है जो इनर रेडियस और आउटर रेडियस अगर डिफरेंट होती है, तो कोई बात नहीं, इनर रेडियस अपन ले बात करते तो वो 2 पाई आर1 बन जाता, आउटर रेडियस की बात करते तो 2 पाई आर2 बन जाता, और इसमें से 2 पाई कॉमन ले लेते और टी तो मल्टीप्लाई में आ ही जाएगा। इसी तरीके से एक सर्कुलर कोई फ्रेम होती है, देखो सर्कुलर अगर प्लेट होती है, सर्कुलर प्लेट मतलब कंप्लीट प्लेट है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि भाई बाउंड्री कितनी है इसकी, तो ए वन साइड है, तो ये भी ए ए, तो ए ए ए करके 4a बन जाएगा, और इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अपन एक्सेस फोर्स हो जाएगा। अगर स्क्वायर फ्रेम है तो देखो इनर इनर मतलब इनर पैरामीटर होगा, आउटर पैरामीटर होगा, तो आप इनर और आउटर दोनों को ऐड करो तो 4a + 4a कितना हो जाएगा, 8a इंटू में टी आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चा अगर किसी निडल को अगर उठाना चाहते हैं वाटर सरफेस से, तो देखो होगा क्या, दोनों साइड की लेंथ को अपन कवर में कंसिडर करते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, टी इंटू में 2l आ जाएगा, तो ये 2l इंटू में टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक और रिलेशन आता है कि रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन और वर्क डन में क्या रिलेशन है, देखो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम किसी सरफेस का एरिया चेंज करना चाहते हैं, किसी भी लिक्विड सरफेस का, भाई मान लिया कि भाई ये कोई ड्रॉप हो गई, अभी इस ड्रॉप का मैं क्या करना चाहता हूँ, स्मॉल ड्रॉप है, मैं इसका इसको इसका एरिया चेंज करना चाहता हूँ, इसका लार्ज करना चाहता हूँ, क्या ये ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या, कैसे ऑटोमेटिक होगा क्या, नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब देखो यहाँ पर एरिया क्या कम है, तो यहाँ पर एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी। यहाँ पर एरिया तुमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि जो भी लिक्विड होता है ना, जैसे कोई भी लिक्विड हो, एक चीज़ का ध्यान रखो कि भी कोई भी जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड के जो इनर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनर मॉलिक्यूल्स हमेशा याद रखिएगा, लिक्विड के जो इनर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं मान के चलता हूँ एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर जो सरफेस है, तो इनर मॉलिक्यूल के कंपेरेटिवली जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके पास जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसी को अपन बोलते हैं सरफेस एनर्जी बोलते हैं। याद रखिएगा सरफेस के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जिसको अपन सरफेस एनर्जी बोलते हैं। याद रखिएगा ये जो इनर साइड जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनसे कंपेरेटिवली सरफेस पे एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अब ये सरफेस एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगी, एरिया पर डिपेंड करेगी, जिसका एरिया ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। अगर मैं कहता हूँ कि कोई स्मॉल ड्रॉप है, तो इसका एरिया कम है, तो इसमें एनर्जी कम होगी, सरफेस एनर्जी। अगर मैं इसका एरिया बढ़ा देता हूँ, तो इसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो क्या एनर्जी ऐसे ही बढ़ सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सम वर्क डन, तुम्हें कुछ ना कुछ वर्क करना ही पड़ेगा। तो वर्क करके अपन क्या करते हैं, उसके एनर्जी को चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पर एक रिलेशन बन के आता है, तो याद रखिएगा कि जो टी होता है, जो टेंशन होती है, वो वर्क अपॉन चेंज इन एरिया होती है, या फिर ये कह सकते हो कि जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वो टेंशन इंटू चेंज इन एरिया आता है। ओके, कहाँ से आया,
ये डेरिवेशन वाले इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अभी बस ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि मैं बता ही फॉर्मूले रहा हूँ, फॉर्मूला सीरीज चल रही है। बाकी हाँ, अगर ये तुम चाहते हो कि कैसे क्या आया तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको अलग से वीडियो में कवर कर लूँगा, मतलब अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, इतनी क्या टेंशन लेनी। चले आगे सीखें। चल तुम लोग पहुंच गए क्या यहाँ पे, यहाँ तक मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। चलो एक चीज़ काम करो, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो एक बार इसमें कमेंट कर दो, क्यों मैं जानना चाहता हूँ यार कौन बच्चा है जो मतलब ये तो मानते हैं कि भाई तुम मेहनती तो इतना मतलब तुम YouTube पे पढ़ पा रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं होता है। चलो तो टॉपिक से भटके तो आ जाएं, क्योंकि चलो टॉपिक पाते हैं। तो देखो अपन यहाँ पर बात करते हैं कि वर्क का जो फॉर्मूला आ गया वो टी मल्टीप्लाई में डेल्टा ए आ गया, चेंज इन एरिया आ गया, और यही है। अब आगे अपन देखो, अब यहाँ पर अपन डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर मुझे फाइंड करना है वर्क डन इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन, अगर मैं एक ड्रॉप बनाना चाहता हूँ, देखो देखो ड्रॉप कैसे बनाएंगे, तो जब तुमने एक ड्रॉप बनाई तो इसका कुछ ए देखो इसका सरफेस एरिया बन के आएगा। मान लें कि पहले एरिया जीरो था, अब आपने एक ड्रॉप बना के इसका कुछ ना कुछ एरिया बना दिया, तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा 4 पाई r² इसका एरिया होगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा बच्चों 4 पाई r² इंटू मीटी, और याद रखना इतनी ही इसके अंदर सरफेस एनर्जी होगी। तो इसी तरीके से अगर कोई एक बबल है, याद रखिए अगर कोई एयर बबल बन रहा है किसके अंदर, किसी लिक्विड सरफेस के अंदर, तो इसको भी बनाने के लिए जो हमको वर्क करना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा, 4 पाई r², यानी कि ये चेंज इन एरिया आया, और अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बबल के बारे में बात करेंगे तो देखो यहाँ पर टू एरिया अपन बात करते हैं, टू सरफेस एरिया बात जाती है, एक तो आउटर सरफेस एरिया, एक इनर सरफेस एरिया। तो आउटर 4 पाई r² होगा, इनर भी 4 पाई r² होगा, तो एड करके 8 पाई r² हो जाएगा, और टी से हम इसको मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। अब अगर अपन फॉर्मेशन ऑफ बबल टू बबल बनाना, सपोज करो कि पहले से हमारे पास एक बबल है जिसकी रेडियस r1 है, तो इसके पास कुछ ना कुछ सरफेस एनर्जी होगी। अब मैं इसके एरिया को चेंज करके, इसका मैं एरिया मतलब इसके रेडियस को चेंज करके r2 करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे उसके टेंशन को उसको चेंज इन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टेंशन तो टी है ही है, एरिया कितना आ जाएगा, तो एक सरफेस का एरिया आ जाएगा 8 पाई r1² क्योंकि आउटर सरफेस इनर सरफेस दोनों को कंसिडर करोगे, तो और दूसरी सरफेस क्या हो जाएगा आउटर इनर को कंसिडर करोगे, तो 8 पाई r1² तो एक तरफ तो आ गया 8 पाई r2² और दूसरी तरफ आ गया 8 पाई r1² ओके, जिसका ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे। अब देखो बच्चा यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ड्रॉप्स कंबाइंस टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। जब कभी भी अगर कोई छोटी छोटी ड्रॉप्स, स्मॉल ड्रॉप्स एंड स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन होकर कोई बड़ी लार्जर ड्रॉप बना रही है, तो उस केस में यहाँ पर क्वांटिटीज कैसे बन के आएगी। तो देखो पहली चीज़ एक चीज़ ध्यान में, देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है, ये यहाँ पर भी होता है, इसके अलावा तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी देखने को मिलेगा, तो ये टॉपिक यूज होता है, बार बार यूज होता है। तो देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि एंड ड्रॉप्स कंबाइन, तो एंड ड्रॉप्स, तो जब एंड ड्रॉप्स कंबाइन होगी देखो कौन सी चीज़ जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो वो होगा बच्चों इसका वॉल्यूम। तो मैं सारी स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम की बात करो, बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम की बात करो, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर स्मॉल में से अगर एक स्मॉल ड्रॉप की अगर एक स्मॉल ड्रॉप की अगर रेडियस अगर आर है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम तुम लिख सकते हो कि भाई 4 पाई 3 पाई r³ लिख दोगे और एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। बड़ी ड्रॉप का कितना हो जाएगा, तो 4 बाई 3 पाई r कैपिटल r³ हो जाएगा। अब तुम इधर उधर से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास में रिलेशन में क्या आता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन टू द पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट एन क्यूब रूट हो जाएगा और क्यूब रूट ऑफ एन हो जाएगा, और इंटर में क्या कर देंगे आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि कैपिटल आर का और स्मॉल आर का जो रिलेशन बनता है ना वो ये कुछ बनता है, ये याद रखिएगा ओके। अब यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर इस स्मॉल ड्रॉप्स को जब अपन कंबाइन करके ये ड्रॉप बनाना चाहते हैं तो वहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, मतलब कुछ एनर्जी में चेंज आ रहा ना, जब जब एनर्जी में चेंज आएगा तो बच्चों वर्क डन होगा। अब ये हो सकता है कि या तो एक्सटर्नल कुछ इस पर वर्क करना पड़े या फिर ये हो कि ये खुद अपने से वर्क करें, तो अगर इसकी एनर्जी अगर बढ़ रही है तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और अगर इसकी एनर्जी कम हो रही है तो ये खुद से वर्क कर रही होगी, यानी खुद से वर्क कर रही होगी इसका मतलब अपने में से एनर्जी को रिलीज कर रही होगी। तो यहाँ पर देखोगे देखो स्मॉल ड्रॉप्स जो होती है ना, इन स्मॉल ड्रॉप्स का याद रखना कि जो एरिया होगा ना वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो एरिया ज़्यादा होगा ना वो ज़्यादा होगा किससे, A2 से, मतलब बाद वाली बॉल से, स्मॉल बॉल का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं कह सकता हूँ कि AS जो होगा वो ग्रेटर देन होगा AB का,
क्लियर है? तो इसका मतलब पहले एरिया ज्यादा है तो पहले एनर्जी ज्यादा होगी, बाद में एनर्जी कम होगी, तो हम पहले वाली एनर्जी में से बाद वाली एनर्जी को अपन माइनस कर देते हैं, तो ऐसे में क्या जाता है हमारा वर्क डन आ जाता है, क्योंकि वर्क डन ही तो होगा चेंज इन एनर्जी के इक्वल। तो अपन इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को माइनस करते हैं तो हमारे पास रिलेशन में क्या आता है। तो बच्चों यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशन को याद रखना है, कैसे आया वो निकाल सकते हैं पर उसकी जरूरत नहीं है। तो रिलेशन है बच्चों डब्ल्यू इज इक्वल टू 4π T r³ अपॉन में वन मतलब ब्रैकेट वन अपॉन स्मॉल r माइनस वन अपॉन कैपिटल r। स्मॉल r पहले क्यों आया, क्योंकि देखो ये इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी ना भाई, अपन क्या चाहते हैं कि देखो r छोटा है, जब छोटी वैल्यू का डिनोमिनेटर में आएगा तभी तो वैल्यू बड़ी बनेगी, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो बड़ी ने छोटी को माइनस कर दिया, ऐसे याद रख सकते हो। एक और फॉर्मूला बच्चों देखो, स्मॉल r कैपिटल r के टर्म में बात करें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, अगर n की टर्म में बात करें तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 4π T r² n³√n-1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर अगर अपन को एनर्जी में रेशियो पूछे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, मतलब फाइनल मतलब कि बड़ी बॉल का मतलब बड़ी ड्रॉप की एनर्जी स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी, उसका आप रेशियो लोगे तो रेशियो कितना बन के आएगा, वन अपॉन n³√n हो जाएगा। अगर फ्रैक्शनल चेंज की बात करें तो वन माइनस वन अपॉन देखो ऊपर क्या आएगा डेल्टा ई, डेल्टा ई का मतलब क्या हुआ कि ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, क्योंकि ई इनिशियल ज़्यादा है, अपॉन में क्या आएगा ई इनिशियल, क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज हमेशा अपन इनिशियल वैल्यू पे देखते हैं, ई आई को दोनों के नीचे लिखो तो इसमें से क्या बन के आएगा, तो एक टर्म बनेगा वन माइनस ई एफ अपॉन में ई आई। अब देखो ई एफ अपॉन ई आई अपन निकाल चुके हैं, देखो ये निकाल चुके हैं तो इसको मैंने यहाँ पर पुट किया तो ये रिलेशन बन के आ गया। अगर इसी में अगर अपन कह दें कि परसेंटेज चेंज पूछे बच्चों, परसेंटेज चेंज पहुंचा कुछ नहीं, इसको वैल्यू को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा, इस चीज़ का याद रखना। क्या चीज क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या, हो जाएगा ना। चलो देखो तो ये हमारे पास में क्या निकाल दिया अपन ने, परसेंटेज चेंज निकाल दिया। अब देखो एक चीज का ध्यान रखो, जब कभी भी ये ड्रॉप्स जब कंबाइन होती है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर देखो एनर्जी में चेंज आता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। तो चेंज कैसे है हमेशा याद रखो, अगर देखो जब जो टाइनी ड्रॉप्स है जो छोटी ड्रॉप्स है वो कंबाइन होकर जब वो बड़ी ड्रॉप बनाती है तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, बड़ी ड्रॉप का एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस एनर्जी कम होगी, बिल्कुल कम होगी। अब सरफेस एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर क्या हो रही होगी, जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी। देखो यहाँ पर यही तो बात कर रहा हूँ मैं कि भाई अपन बात क्या करें, अगर छोटी छोटी ड्रॉप्स जब जिसका एरिया ज़्यादा है एनर्जी ज़्यादा है तो जैसे ये बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट होगी तो ये अपने में जो सरफेस एनर्जी उसको एनर्जी को रिलीज करेगी। अब वो एनर्जी अगर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में अगर यूज हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखो जब कभी भी स्मॉल ड्रॉप बड़ी ड्रॉप में बनती है तो एरिया कम होता है, सरफेस एनर्जी कम होती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होती है, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अगर इसका उल्टा कर दे तो उस केस में करना क्या है, जो बड़ी ड्रॉप है वो छोटी ड्रॉप्स में स्प्लिट हो रही है तो उस केस में एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, छोटे ड्रॉप्स का एरिया इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसे में जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है। ये वैसा ही है, तुम देखा होगा जो स्प्रे होता है, जो वाटर स्प्रे होता है, जो जिससे आप उसको स्प्रे करते हो, जैसे वो लिक्विड जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, वो ड्रॉपलेट्स जैसे हमारे चेहरे पर लगती है तो हमको एक कूल फील कूलनेस वाली फीलिंग आती है, मतलब ठंडा सा लगता है, वो ठंडा सा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका होता है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की, और ये भी देखेंगे शेप ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस का शेप क्या था। तो पहले एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को समझ लो इतना सा, अगर मेरे पास में सपोज किया कि भाई ये कोई सॉलिड की जो कोई सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर अपन ने क्या रखी, एक कोई ड्रॉप रखे, ये कोई लिक्विड ड्रॉप रखे, तो किसी भी पॉइंट पर अगर अपन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करें तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है कि आप क्या करो, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पर सरफेस कॉन्टेक्ट में आ रही सॉलिड के, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमको क्या करना है, एक तो आउटर सरफेस फ्री सरफेस पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना, तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, एक जो इसके इनर सरफेस जो सॉलिड सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में, तो ये इनर सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस इसके साथ कॉन्टेक्ट में, तो जहाँ पर सेपरेशन हो रहा है दोनों लाइनों का वहाँ पर क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, दोनों मीडियम का जो सेपरेशन है वहाँ पर क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, तो इस लाइन और इस टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। ओके अब देखो ये जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लेस देन 90 भी हो सकता है, जैसे इस वाले केस को देखो, ये फर्स्ट केस को देखो तो लेस देन 90 है, जिसको अपन एक्यूट एंगल बोल सकते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 90 डिग्री आ गया राइट एंगल, यहाँ पे क्या आ गया ग्रेटर देन 90 आ गया ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। अब ऐसा कब देखने को मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा कब देखने को मिलता है, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ग्लास और वाटर के साथ, तो
याद रखो, अगर ग्लास और वाटर एक साथ कंबाइन होते हैं, मतलब जब वाटर को आप ग्लास के सरफेस पर डालते हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो एक्यूट एंगल बनता है, जो मतलब कि जो वहाँ पर एंगल बन रहा होता है, जैसे ये तो यहाँ पर कि भाई एक लाइन में नीचे ड्रॉ करी, एक ये टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया, तो ये एंगल तो ये बनेगा ना, तो ये जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल है, क्लियर है। और सिल्वर वाटर के केस में बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और ग्लास और मर्करी केस में कितना बनेगा, तो ये आउटर सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये नीचे लाइन ड्रॉ करी, तो ऐसे में एंगल कितना बन के आ रहा है, ये ऑब्ट्यूज बन के आ रहा है, दिस ऑब्वियसली। अब देखो एक चीज का ध्यान रखो, अगर हमारे पास में सिल्वर वाटर का कॉम्बिनेशन है, या फिर ये कह सकते हो कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री है, तो उस केस में जो एडहेसिव फोर्स होता है ना, वो कोहेसिव फोर्स के 1/√2 टाइम्स था। ये एडहेसिव कोहेसिव क्या होता है, देखो एडहेसिव फोर्स लगता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, लगता है किनके बीच में लगता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्लास वाटर इनके बीच के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोहेसिव फोर्स किसके बीच में लगता है, वो सेम टाइप के मटेरियल पर लगता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब याद रखिएगा, जो एडहेसिव फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स के 1/√2 टाइम्स के इक्वल होता है, कब, जब ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री हो, क्लियर है। तुम इसको ऐसे समझ भी सकते हो, देखे जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, देखो ये कोहेसिव फोर्स, देखो हो क्या रहा है, इधर के जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स सब के सब क्या कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पाएगा, कहीं यहाँ बीच में आएगा, 45 डिग्री एंगल पाएगा। अब ये जो एंगल बन रहा ना, ये जो एंगल, इसको अलग कलर लेते हैं अपन, देखो तो ये जो एंगल बन रहा ना, ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। इसको मैंने क्या लिखा, एफ सी लिखा, तो ये क्या बन के आ जाएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट बन के आएगा, इस कंपोनेंट को अपन क्या बोलेंगे, एफ सी कोस 45, और एफ सी कोस 45 क्या जाएगा, एफ सी अपॉन में √2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एफ ए और दोनों इक्वल हो जाएंगे, इस केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स के 1/√2 टाइम्स है, ये रिलेशन याद रखो, जब एंगल 90 डिग्री लेस देन हो तो एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है 1/√2 टाइम्स है, और यहाँ पर अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के 1/√2 टाइम से क्या होता है, कम होता है। एक चीज का और ध्यान रखना, इसमें भी देखो याद रखना कि लेवल राइज फॉल और सेम, देखो हमेशा ध्यान रखो कि अगर मेनिस्कस का शेप कैसा है, कॉनकेव शेप है, कैसा शेप है, कॉनकेव, कॉनकेव शेप कब बनेगा, जब वो कैसा होगा, वो एक्यूट एंगल बनाएगा। याद रखिएगा, जब जब एक्यूट एंगल बनता है, मेनिस्कस का शेप कैसा होता है, कॉनकेव होता है, अगर 90 डिग्री है तो प्लेन कॉनकेव प्लेन बनता है, और वहीं अगर अपन कैसा बचाओ, अगर वो ग्रेटर ऑब्ट्यूज है तो शेप कैसा बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। जब भी कॉन्वेक्स शेप बनेगा तो उसका जो लेवल है ट्यूब के अंदर वो क्या होगा, फॉल करेगा, अगर 90 डिग्री है तो वो लेवल सेम रहेगा, देर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। वाइल इन द केस ऑफ एक्यूट एंगल केस में जो जो लेवल होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा, राइज कर जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, इसमें भी ये भी याद रख सकते हो कि जो जब भी एक्यूट एंगल वाला केस आता है ना, तो वो क्या करता है, वो जो लिक्विड होता है उस सरफेस को क्या करता है, वेट करता है, याद ना, ये वेट करता है, और इस वाले केस में क्या करता है, डज नॉट वेट, क्लियर, याद रखिएगा। एक्यूट एंगल वाला केस वेट करता है लिक्विड को, और ऑब्ट्यूज एंगल वाला केस वेट को, लिक्विड मतलब सरफेस को वेट नहीं करता। ओके, ये तो रीजन है, अगर आप मर्करी को अगर आप हाथों पर ले लो तो वो आपको वेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मर्करी का हमारे साथ जो एंगल बनता है वो ज्यादा बनता है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इसी बीच में जो एक और टॉपिक आता है, एक्सेस प्रेशर। देखो एक्सेस प्रेशर अपन क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर इसके सरफेस टेंशन की वजह से होता है। देखो अगर कहीं पर स्फेरिकल सरफेस बन रही है तो वहां पर प्रेशर में चेंज आता है, प्रेशर कहाँ पर ज्यादा होगा, जहां पर कॉनकेव सरफेस होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्लियर है। इसको तुम हल्का सा ऐसे समझ भी सकते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई वाटर ड्रॉप है, ये लिक्विड ड्रॉप है, तो इस लिक्विड ड्रॉप पर देखो अगर ये बैलेंस कंडीशन है, तो यहाँ पर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो फोर्स लग रहा है आउटर मतलब एटमोसफेयर की वजह से फोर्स लग रहा है, उसी की वजह से यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा, और एक फोर्स लग रहा है बच्चों यहाँ पर इनर लिक्विड फोर्स लगा रहा है, वो लिक्विड फोर्स कितना लगा रहा है, मतलब एफ इनर साइड फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से इनसाइड प्रेशर बन रहा होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल टू ही फोर्सेज लग रहे होते हैं, एक और फोर्स लगता है जो इसकी सर्फेस को कम कर रहा होता है, सर्फेस को स्ट्रेच कर रहा होता है, और वो जो फोर्स होता है वो किधर लग रहा होता है, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि वो एरिया को कम करना चाहता है ना। याद रखना कि जो सरफेस टेंशन होती है बच्चों, वो सरफेस के एरिया को हमेशा वो कम करना चाहती है, तो उसको खींचने की कोशिश कर रही है। तो अब यहाँ पर देखो कि जो इनर साइड जो प्रेशर होगा उसको दो फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, तो एक तो आउटर वाले को बैलेंस करना पड़ेगा,
और ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके हम कह सकते हैं कि जो इनर प्रेशर होता है वो आउटर प्रेशर, आउटर जो प्रेशर होता है उससे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसमें ध्यान रखना कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। याद रखो अगर सरफेस कॉन्केव है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा रेदर देन कॉन्वेक्स में। अगर सरफेस कैसी है, सिंपल है, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर तो लेवल सिंपल है, अगर प्लेन लेवल है तो उस केस में क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा, आउटसाइड इनसाइड प्रेशर सेम रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि पी ए इक्वल टू पी बी होगा। लेकिन अगर बाहर कन्वेक्स आ गई, इनर साइड कॉन्केव आ गई, तो याद रखिएगा अंदर जो प्रेशर है वो कम होगा, इनसाइड जो प्रेशर होगा वो कम होगा, आउटसाइड जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, आउटसाइड जो प्रेशर, नहीं उल्टा बोल दिया सॉरी, हाँ इन जो कॉन्केव सरफेस होती है वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, तो इनर साइड जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, आउटर साइड पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आउटर सरफेस कैसी कॉन्वेक्स है। और यहाँ पे भी यही बताया ए पर प्रेशर ज्यादा है, बी से। अगर सरफेस ऐसी नहीं होती बल्कि सरफेस ऐसे होती है, देखो ऐसे ऐसे सरफेस होती है, ये ऐसे सरफेस होती है, ऐसे अगर ऐसी सरफेस होती है ना, मतलब कंकेव टाइप सरफेस होती है, ए बना ही देते हैं, बढ़िया से बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर सरफेस कैसी होती है, अच्छा सरफेस होती है ऐसे होती है, अगर सरफेस ऐसे होती है ना तो उस केस में क्या होगा, जो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा, यानी मैं क्या लिखूंगा, पी आई इज ग्रेटर देन पी ओ लिखूंगा। क्लियर है? चलिए अब देखो यहाँ पर, अच्छा कितना ज्यादा होगा, कितना डिफरेंस आता है, तो याद रखिएगा वो जो प्रेशर में का जो डिफरेंस आता है ना, जिसको अपन कह रहे हैं एक्सेस प्रेशर कह रहे हैं, एक्सेस प्रेशर का मतलब हो गया कि पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, वो जो होता है वो टू टी अपॉन आर होता है, ये याद रखिएगा, कितना होता है, टू टी अपॉन आर, टू टी अपॉन आर। ओके चलो, तो अब यहाँ पर आते देखो, ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप के केस में कितना होता है, देखो याद रखिएगा आउटसाइड प्रेशर पी ओ है, तो अंदर कॉन्केव सरफेस कौन सी, इनर साइड कॉन्केव है ना, तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, टू टी अपॉन आर, कहां से ज्यादा होगा, बाहर से टू टी अपॉन आर होगा। तो यहाँ पर देखो पी नॉट प्लस टू टी अपॉन आर लिखा, अगर बबल के केस में देखो अंदर कॉन्केव है तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, टू टी अपॉन आर ज्यादा होगा। सॉफ्ट बबल है तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर कितनी, देखो टू फ्री लेयर आती है, अगर सबसे बाहर वाले को मैं पी नॉट मानता, देखो इसी का जूम करके अपन देख रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि बाहर प्रेशर कितना पी ओ है, तो इसके इनर सरफेस जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, टू टी अपॉन आर होगा, लिक्विड के अंदर प्रेशर कितना होगा, टू टी अपॉन आर होगा। अब वापस एक और सरफेस आ रही है, जो इधर और एक और सरफेस आ रही है, ये भी कॉन्केव है, तो अगेन यहाँ पर प्रेशर वापस ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, ये जो कॉन्वेक्स साइड है इससे प्रेशर ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, टू टी अपॉन आर तो पहले से ही है, अब टू टी अपॉन आर और हो जाएगा तो कितना बन के आ जाएगा, फोर टी अपॉन आर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो अब इसके बाद आते हैं बच्चों, देखो हो गया। अच्छा एक चीज ये भी है, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, कभी अगर आपको दे दे कोई टू प्लेट्स है जिनके बीच का सेपरेशन डी है, उनका एरिया कितना ए है, और तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो याद रखिए फोर्स इक्वल होगा टू ए टी अपॉन में डी, ए क्या यहाँ पे एरिया, टी यहाँ पे टेंशन है, डी यहाँ पे क्या डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स है। एक आता है कैपिलरिटी, कैपिलरिटी हाइट, कैपिलरिटी हाइट मतलब कैपिलरी एक्शन कह सकते हो, कैपिलरी एक्शन किसको बोलते हैं बच्चों, देखो जब कभी भी कोई एक स्मॉल थिन, बिल्कुल मतलब बहुत ही थिन जो कोई ट्यूब है, थिकनेस बहुत कम है, बहुत ही स्मॉल रेडियस की ट्यूब को जब आप किसी लिक्विड में डिप करते हो, तो उस केस में क्या होता है, उसके लेवल में, उसके लिक्विड के लेवल में क्या होता है, कुछ राइज आ जाता है, कुछ लेवल ऊपर उठ जाता है, इसका ये जो एक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं अपन कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्लियर है? और तो इसको अपन कैसे समझेंगे, देखो अगर लिक्विड जैसे ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, तो याद रखना कि वो किसने एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, तो कितनी हाइट तक जा सकता है, मान लिया कि एच हाइट तक जा रहा है, अभी जब एच हाइट तक जाएगा, इसका भी डेरिवेशन है, उसकी डेरिवेशन जरूरत नहीं है, अपना रिजल्ट याद रखेंगे, तो हाइट कितनी होती है, तो याद रखिएगा हाइट का जो फॉर्मूला बन के आएगा, एच इज इक्वल टू टू टी अपॉन आर डी जी, याद रखो टू टी, टी क्या यहाँ पर टेंशन है, सरफेस टेंशन, जी यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, डी यहाँ पर बच्चों डेंसिटी, ये किसकी डेंसिटी है, ये लिक्विड की डेंसिटी है, ये लिक्विड की डेंसिटी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी कम हाइट। आर यहाँ पर क्या बच्चों, आर यहाँ पर हो गया रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ये याद रखना, ये जो आर है ना, आर इज नॉट द, कैपिटल आर की बात कर रहा हूँ, कैपिटल आर इज नॉट द रेडियस ऑफ द ट्यूब, इट इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। यहाँ पर आप देखोगे जो ये मेनिस्कस बन रहा है ना, ये जो शेप बन रहा है स्पेरिकल, ये स्पेरिकल शेप देखो कहीं ना कहीं एक स्पेयर बन रहा है ना, देखो यहाँ पर स्पेयर दिखा भी रखा है, इस स्पेयर के जो रेडियस है, ये रेडियस एक्चुअल में आर है बच्चों, क्या ये रेडियस आर है, तो अगर आप रेडियस की टर्म में लिखोगे ना, तो फॉर्मूला बनेगा एच इज इक्वल टू टू टी अपॉन में आर डी जी। क्लियर है? लेकिन अगर अपन बात करते हैं, अगर इसको अपन ट्यूब की रेडियस की बात करना चाहते हैं, तो ट्यूब की रेडियस कितनी होगी, ये स्मॉल आर होगी, ये स्मॉल आर, तो अगर मैं कहता हूँ कि एंगल थीटा है, अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अगर थीटा है,
अगर अगर मैं कहता हूँ ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा है, तो इस केस में आर स्मॉल आर और कैपिटल आर के साथ जो रिलेशन बन गया, ये तो ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, ये इस टाइप से ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना थीटा है, कहाँ से है, एक्यूट एंगल से बना क्या है। तो अगर ये आर है, ये स्मॉल आर है, तो आर का स्मॉल आर का जो रिलेशन बनेगा ना, वो बनेगा आर कोस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आर निकाल सकते हो, तो आर इज इक्वल टू स्मॉल आर का अपॉन में कोस थीटा, यहीं पे मैंने पुट किया। तो इसे आर की जगह मैंने पुट किया, तो रिलेशन ये बन क्या है, कोस थीटा ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली एक फॉर्मूला बन क्या है, एच इज इक्वल टू टू टी कोस थीटा अपॉन में रो आर जी। अब ये रिलेशन हमको क्या बताता है, देखो टी तो कॉन्स्टेंट है ही है, थीटा देखो थीटा के साथ यहाँ पे जा रहा। अगर मैं कहता हूँ कि थीटा क्या है, लेस देन 90, कितना बचो थीटा अगर लेस देन 90, मैं कहता हूँ कि अगर जो थीटा है, अगर थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री है, तो उस केस में एंगल कैसे बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। और जब भी एक्यूट एंगल बनेगा, तो उस केस में जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्यों, लेस देन 90 पर तो कोस पॉजिटिव ही होता है, तो कोस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर कोस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, तो एच भी क्या बन के आएगा, पॉजिटिव बन के आएगा। एच पॉजिटिव आना इसका मतलब ये है कि जो लेवल है वो राइज हो रहा है, लेवल ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, अगर थीटा क्या हो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, अगर मैं कहता हूँ कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए, तो उस केस में कोस ग्रेटर देन 90 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किस में होता है, माइनस में होता है, तो उस केस में जो एच की वैल्यू बन के आएगी ना बच्चा, ये एच की वैल्यू नेगेटिव बन के आएगी। और एच की वैल्यू नेगेटिव बनना इसका मतलब उसका जो लेवल है ना, वो राइज नहीं करेगा, बल्कि लेवल फॉल हो जाएगा। और यही तो मैंने बताया था, जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होता है, वो लिक्विड का जो लेवल होता है नीचे चला जाता है। और याद रखना कि जो पॉजिटिव वाले केस में जो शेप बनता है वो कॉनकेव शेप बनता है, और ग्रेटर देन ऑप्टिव वाले केस में शेप कैसे बनता है, कॉन्वेक्स शेप बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्लियर है। अब देखो अगर तुमको यहाँ पर एक चीज़ और पूछ ली जाए कि भाई अगर क्या हो कि जो लेंथ है किसकी लेंथ, अगर मैं कहता हूँ कि इसके ट्यूब की जो लेंथ है वो लेंथ अगर क्या हो, अगर इस हाइट से कम हो, अगर मैं कहूँ कि मतलब वाटर लेवल तो कुछ ना कुछ ऊपर बढ़ ही रहा ना, इस वाटर लेवल को मैं एच मार रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस ट्यूब की लेंथ वो कैपिलरी हाइट जितनी पहुंच सकती है ना उससे भी कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लेंथ ट्यूब की कम कर दी और लिक्विड ज़्यादा हाइट तक जा सकता है, तो वो क्या करेगा, इसमें तेजी के साथ बाहर निकलेगा और ऐसा फाउंटेन बन जाएगा, कैसा होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। याद रखना अगर कभी अगर एल अगर आपको कह दिया जाए कि भी एल इज लेस देन एच, तो उस केस में करना क्या है, उस केस में याद रखना कि वो जो लिक्विड है ना वो ऊपर जाएगा, अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद अपना जो मेनिस्कस का जो शेप है ना, उस शेप को चेंज कर लेगा। वो शेप कैसे कर लेगा, ऐसे बाहर नहीं गिरेगा, बस ऐसा शेप बना देगा मेनिस्कस वाला, मतलब कॉन्वेक्स शेप बना देगा। तो याद रखना अगर एल इज लेस देन एच है, तो जो लिक्विड है वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, इट विल नॉट कम आउटसाइड द ट्यूब, एंड द शेप ऑफ द मेनिस्कस विल बी चेंज, क्लियर है। चलो अब देखो एक इसमें एक और चीज़ है कि रेडियस ऑफ द ट्यूब, अब देखो यहाँ पर देखो जो रिलेशन बन के आ रहा ना कि एच इज इक्वल टू टू टी कोस थीटा और अपॉन में क्या है रो आर जी, तो क्या मैं आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आर एच का देखो याद रखना प्रोडक्ट जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, टी कॉन्स्टेंट, थीटा कॉन्स्टेंट, रो कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट, तो आर एच भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो आर एच है ना, ये कह सकते हैं कि आर और एच का जो मल्टीप्लाई है वो कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जिसकी रेडियस, देखो एच डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस ऑफ ट्यूब, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब है, याद रखेगा। तो रेडियस ऑफ ट्यूब जितनी कम होगी ना, हाइट उतनी ज्यादा होगी, मतलब वो जितनी थिन होगी ना ट्यूब, जितनी पतली होगी ना, वो उतना ज्यादा उसमें राइज होएगा, उतनी हाइट उसकी ज्यादा होगी, क्लियर है। चल अभी कह दिया जाएगी अगर अपन ट्यूब को क्या कर दें, इसे इंक्लाइन कर दें, तो उस केस में क्या होगा, तो याद रखना अभी भी अगर ट्यूब को अगर इंक्लाइन भी कर दिया जाए ना, तो अभी इसकी हाइट तो सेम ही आएगी, अरे हाइट तो ऐसे ही तो मेजर करते हैं, याद रखना एच स्टिल रिमेन सेम, एच फिर भी सेम रहेगी, जो हाइट जिस हाइट पर पहुंच रहा है वो हाइट सेम रहेगी। हाँ ये कह सकते हो कि वो जो फ्लूड कॉलम है ना, ये जो फ्लूड कॉलम है, ये जो फ्लूड कॉलम है ना, इस फ्लूड कॉलम की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाएगी, कि पहले जब ये वर्टिकल था तो इसकी लेंथ मतलब फ्लूड कॉलम की लेंथ कितनी थी, बस इतनी सी थी, और इतनी सी तो थी, लेकिन इस बार इसकी जो लेंथ है ना वो बढ़ चुकी है, वो लेंथ इतनी बढ़ चुकी है, ये तो लेंथ बढ़ चुकी है। अगर ये एल बात करने के लिए कहें कि इस फ्लूड कॉलम की लेंथ बात करने के लिए कहें, तो हमारे पास में रिलेशन क्या बन के आएगा, तो देखो यहाँ से भी रिलेशन बना दोगे, ये एच हमको पता ही है, एच हम निकाल चुके हैं। अगर मैं कहता हूँ ये थीटा है, ये फाई है, तो क्या से रिलेशन नहीं बना सकते, ये ट्राइंगल बन रहा है, इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि ये फाई है और ये एल है, तो इस केस में ये एच है, तो कंपोनेंट कौन सा बनेगा, ये एल कोस थीटा बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, एल साइन थीटा बन जाएगा, एल साइन फाई। तो
तो मैं क्या कर सकता हूँ, एच और एल साइन फाई इक्वल हो जाएगा, और मुझे एल निकालना है तो ये साइन फाई कहाँ पर आ जाएगा, एच के नीचे आ जाएगा। तो जैसे बनेगा एल इज इक्वल टू एच अपॉन में साइन फाई बन के आएगा, क्लियर है। एच तुमको पता ही है, निकाल ही चुके हो। अब देखो एक आता है कैपिलरिटी करेक्शन और आता है। कैपिलरिटी करेक्शन का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि देखो होता क्या है कि जब वो उसमें राइज होता है तो उसका जो मेनिस्कस का जो शेप होता है कुछ इस टाइप से कॉनकेव शेप होता है। अब हमारे पास में दिक्कत है कि यार उसकी हाइट हम मेजर कैसे करेंगे, कि देखो कुछ हाइट तो यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे अब हाइट अपन यहाँ से जो मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ से अपन मेजर करेंगे या इसके बॉटम से मेजर करेंगे। तो इसकी हाइट अपन मेजर करते हैं बच्चों बॉटम से मेजर करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसके हाइट में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा ना, अगर उस वेरिएशन को देखते हुए अगर अपन बात करें, उस करेक्शन की बात करें, तो हमारे लिए जो टेंशन का फॉर्मूला बन के आएगा वो आर अपॉन टू कोस थीटा सी। थीटा सी यहाँ पर वही है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, और एच प्लस आर अपॉन में थ्री। मतलब करना कुछ नहीं है, जो आपने जो यहाँ पर फॉर्मूला बनाया ना, ये जो फॉर्मूला बनाया ये वाला, ये फॉर्मूला ना, ये जो फॉर्मूला बनाया ना, इसमें जो आपने एच लिखा ना, इस एच की जगह क्या जाएगा, एच प्लस आर बाई थ्री भी आ जाएगा, एच प्लस आर बाई थ्री, इतना सा करेक्शन करना, बाकी फॉर्मूला वही सेम वाला फॉर्मूला। डिफरेंट इन लिक्विड देखो लेवल। अच्छा देखो इसमें क्या कहा जाता है, अगर हमको क्या कहा जाए, कोई ट्यूब ट्यूब ले जाए, तो एक ट्यूब ये रही और सेकेंड ट्यूब ये रही, पर दोनों में देखो एक चीज़ का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, इनके रेडियस का डिफरेंस है। एक कोई थिन है, एक पतली ट्यूब है, एक बड़ी ट्यूब है, तो ऑब्वियसली जब आप उनको दोनों कंबाइन कर दोगे, उसके अंदर कोई भी लिक्विड फिल करोगे, तो उस लिक्विड का जो लेवल आएगा वो चेंज आएगा। क्यों आएगा, कैपिलरी एक्शन की वजह से। अभी तो पढ़ा जिसकी रेडियस से कम उसमें लेवल राइज ज़्यादा, और जिसकी रेडियस कम उसमें लेवल कम। तो यहाँ पर इसके ये थिन इसके आर वन कम है तो इसमें लेवल बढ़ जाएगा। तो अब ये जो लेवल, इसका लेवल और इसका लेवल, इन दोनों के लेवल का अगर डिफरेंस की बात करें, या अगर हाइट के डिफरेंस की बात करें, तो हाइट कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एच इज इक्वल टू टू टी कोस थीटा, टू टी कोस थीटा अपॉन में रो जी आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू आर। ये हमारे पास फॉर्म, आर वन पहले वाले की रेडियस है, आर टू बाद वाले की रेडियस है। अब याद रखना कि पहले अपन पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, तो आर टू पहले आ जाएगा क्योंकि आर टू ज़्यादा है, तो ये आ गया। तो इस तरीके से बस यही है, इसमें ये हो गया, क्लियर है। तो ये हुआ बच्चों फाइनली हमारे पास में सरफेस टेंशन। तो आई होप ये जो लेक्चर है ना, ये तुमको समझ में आया होगा, और ये जो फॉर्मूले तुमको समझ में आए होंगे, क्लियर है। अभी ये जो फॉर्मूले के जो पीडीएफ है, इनकी पीडीएफ मैं अलग से आपको प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, उसको ज्वाइन कर लो। मैं वीडियो की लिंक भी वहीं प्रोवाइड करवाता हूँ। उसके साथ साथ वीडियो अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, तो पहुँच गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब क्योंकि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि यार कौन वहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँचा होगा, जो पहुँचा होगा ना मज़ा आ गया होगा बच्चों। ये कह रहा हूँ ना, तुम बस जुड़े रहो, आपको हर एक चैप्टर की, आप 11th 12th नीट की जे की सब की आपको मिल जाएगी फॉर्मूला सारे। इवन अपन यहाँ पर क्वेश्चन की भी सीरीज अपन स्टार्ट कर चुके हैं, क्वेश्चन की मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो क्वेश्चन वाले भी आप देख सकते हो इनके क्वेश्चन के इस पर कैसे बनते हैं, क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, और अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चलिए।